हेलो नमस्कार प्रणाम पलाक, आप सभी को स्वागत है आपका सुजाता किचन में। सर्दियां शुरू हो गई हैं और मेथियां भी आ गई हैं, तो आज हम बनाते हैं मेथी के पराठे। काफी पसंद भी आते हैं और बनाने में भी ये बहुत आसान है, तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मेथी के पराठे बनाने के लिए तो मेथी को हमने यहाँ पे साफ करके धो लिया है और इसे कट भी कर लिया है। 2 बाउल आटा, आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार लें, आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, 1 टुकड़ा अदरक का इसे क्रश करके लेते हैं, 1 हरी मिर्च, बारीक कटी मेथी, आधी किलो ये मेथी है। सभी चीजों को मिलने तक मिला लेते हैं। आटे के साथ सभी मसालों को मिलाने के बाद अब हम लेते हैं इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी लेते हैं और इसका एक डो बना लेना है। गिलास से पानी कम लगा है इसे गूंदने में, तो थोड़ा थोड़ा पानी लें, जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार पानी लें। सॉफ्ट आटा हमने इसका लगाना है। पराठे के लिए मुलायम आटा हमने लगा लिया है। 1 पेड़ा लेंगे, पराठा छोटा या बड़ा बनाना है उसके अनुसार पेड़ा लें। पेड़ा लेके हाथ में गोल गोल घुमा लेते हैं। पेड़ा बनके तैयार है। पहले हम पेड़े बना लेते हैं, पराठा बनाने में आसानी रहेगी। पहले हम 4 लोई बनाई है, 4 पराठे बनाएंगे, बाकी के आटे को हम ढक लेते हैं। आटे में लगाएंगे आते हैं सूखा आटा, लपेट लेते हैं इस तरीके से और रखते हैं इसे प्लेटफॉर्म में करते हैं। कोई भी सेव इसे दे सकते हैं। पराठे को हमने बेल लिया है और गोलाई शेप में ही हमने पराठे को बेला है। तवा भी गर्म होने रख दिया था पहले ही, तो अब इसमें डालते हैं पराठा। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। पराठा ऊपर से सिक चुका है, सूखा दिखने लगे, तब हम इसमें लगाते हैं घी। आप तेल में ही बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। तो पूरे पराठे में लगा लेते हैं घी। पराठे को पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी लगाते हैं घी और चम्मच से दबाते हुए इसे हमने सेक लेना है। चारों तरफ से दबा लेंगे, पलट लेते हैं और अलटते पलटते हुए हमने पराठे को अच्छे से सेक लेना है। अलटते पलटते हुए अच्छे से सिक चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। निकालेंगे प्लेट के ऊपर, इस तरीके से कटोरी रखते हैं और उसके ऊपर रखते हैं पराठा। कभी भी पराठा डायरेक्ट प्लेट के ऊपर ना रखें, इस तरीके से रखें। इसे हम बाकी के पराठों को भी सेक लेते हैं। मेथी के पराठे को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी आप बना सकते हैं। इसे बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। बच्चों के टिफिन में रख रहे हैं तो साथ में केचप आप सर्व कर सकते हैं और चाय के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और हेल्दी पराठा होता है। तो पराठा भी सिक चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। बनाने में है बहुत आसान, देखिए लग रहे हैं ना मजेदार, देखने में खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपके परिवार में सभी को मेथी के पराठे बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर करें और मेरी ऐसी ही मजेदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। सर्दियों में हरी सब्जियां काफी अच्छी आती हैं और पराठे भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं।